दोस्तों, बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए वर्कआउट करना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ में हमारी डाइट का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि बल्किंग करने के लिए हमें कौन से फूड खाने चाहिए जिससे कि हमें रिजल्ट अच्छे और जल्दी मिलें, हमारी बॉडी में मसल्स मास ज़्यादा गेन हो और फैट कम गेन हो। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम बल्किंग पर होते हैं तब हमारी बॉडी में मसल्स के साथ साथ में फैट भी आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें सही नॉलेज हो तो हम कम फैट गेन करके ज़्यादा मसल्स मास पैकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताएंगे जिनका परफेक्ट तरीके से यूज करके आप बहुत कम फैट के साथ में ज़्यादा मसल्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि बल्किंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है गुड बल्क और दूसरा होता है बैड बल्क, और दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हम गुड बल्किंग करते हैं तब हमारी बॉडी साइज के साथ में एक परफेक्ट शेप में आने लगती है, और दोस्तों जब हम बैड बल्किंग करते हैं तब हमारी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है, बोले तो बॉडी बनने की जगह बिगड़ने लगती है। इसका मुख्य कारण ये है कि कम जानकारी होने की वजह से लोग बल्किंग करते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसका नतीजा ये होता है कि बॉडी बनने की जगह बिगड़ने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी गुड बल्किंग करना चाहते हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि साइज गेन करते समय हमें कौन सी चीज़ें कब कैसे और कितनी खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। दोस्तों, गुड बल्किंग करते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सी चीज़ से फ़ायदा होने वाला है और कौन सी चीज़ से नुकसान, इसलिए गुड बल्किंग करते समय हमें फास्ट फूड और जंक फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉडी का साइज़ तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ में बहुत सारा एक्स्ट्रा फैट जो कि आपको नहीं चाहिए वो भी आपके शरीर में आ जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप चली जाएगी और इस बात का आपको बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक काम की बात बता दूँ कि जितने पैसे आप फास्ट फूड और जंक फूड को खाने में खर्च करते हैं उतने ही पैसे का अगर आप अच्छा फूड खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब दोस्तों, गुड बल्किंग करते समय हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए ये भी आप ज़रा ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपकी बॉडी में मसल्स मास ज़्यादा गेन होगा और फैट ना के बराबर आएगा। नंबर वन, अंडे। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडा प्रोटीन और बहुत सारे अमीनो एसिड का बेहतरीन सोर्स है। एक मीडियम साइज़ की अंडे की बात करें तो उसमें आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बल्किंग करते समय 4 एग व्हाइट और 2 हॉल एग का सेवन हमें डेली करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को भरपूर प्रोटीन के साथ में ढेर सारे अमीनो एसिड भी मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो उसकी जगह पर आप 100 ग्राम पनीर या फिर 50 ग्राम सोया चंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम पनीर से आपको 18 ग्राम के करीबन प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इसमें फैट की भी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो यहाँ पर मैं आपको 50 ग्राम सोया चंक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 50 ग्राम सोया चंक से आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और ये बहुत सस्ता भी होता है। इसमें हड्डियों को मजबूत करने के लिए ढेर सारा कैल्शियम भी मिलेगा और इसमें फैट आपको 0 मिलेगा। नंबर 2, केला। दोस्तों, केला एक ऐसा सुपर फूड है जिसे गुड बल्किंग के दौरान सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर यूज करते हैं, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देता है और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। केले में प्रोटीन तो ना के बराबर होता है, लेकिन हेल्दी कार्बोहाइड्रेट का ये बहुत अच्छा सोर्स है। केले को खाने का जो परफेक्ट टाइम है वो है प्री वर्कआउट, यानी ज़्यादातर बॉडी बिल्डर केले को कसरत करने से पहले खाते हैं, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी देता है और इसमें पोटासियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो कि वर्कआउट के दौरान मसल्स गेन करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों, गुड बल्किंग करने के लिए आप वर्कआउट करने से 30 मिनट पहले 2 केले का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, पीनट बटर। दोस्तों, ऐसा कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं है
जो बल्किंग करते समय पीनट बटर का इस्तेमाल न करता हो, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट होता है और प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी सभी वो चीज़ें हैं जो कि मसल्स गेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप दिन में किसी भी समय 2 चम्मच पीनट बटर को 2 ब्राउन ब्रेड या फिर 2 रोटी में लगाकर खा सकते हैं। नंबर 4, अलसी के बीज। दोस्तों, अलसी में बहुत सारा फाइबर होता है और फाइबर बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, हम ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, यानी फाइबर बॉडी को क्लीन रखने का काम करता है। तो आप दिन में 2 चम्मच भुने हुए अलसी के बीज का सेवन जरूर करें। नंबर 5, ओट्स। दोस्तों, ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आपको गुड बल्किंग करनी है तो ओट्स आपकी डाइट का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ओट्स महंगे लगते हैं तो आप उसकी जगह पर देसी दलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू करीबन सेम है। ओट्स इसलिए महंगा होता है कि ये तुरंत पक जाता है और तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, और दलिया को पकने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, गुड बल्किंग करने के लिए आप सुबह नाश्ते में 50 ग्राम ओट्स या फिर 50 ग्राम देसी दलिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सुपर फूड जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके गुड बल्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप और जो भी घर का खाना खाएं, जैसे कि दाल चावल रोटी वगैरह, सब में तेल की मात्रा कम रखें, नमक की मात्रा भी कम रखें, और उबले हुए राजमा, सफ़ेद चने, काले चने का सेवन करें, क्योंकि ये भी गुड बल्किंग करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें। हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।